Students, in this video, we will evaluate an integral, a complex integral, by using residue theorem. And the question is, using Cauchy residue theorem, evaluate the integral sin pi z square plus cos pi z square upon z minus 1 into z minus 3 dz, where c is the circle mod z minus 1 is equal to 1. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये इंटीग्रल, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रल फाइंड करना है ओवर सी, सी द क्लोज सर्किल जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो सबसे पहले तो इस सर्किल को ड्रॉ कर लीजिए। ये सर्किल है जिसका सेंटर है जेड इज इक्वल टू वन पर और इसकी रेडियस है वन। तो ये सर्किल बनेगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जेड इज इक्वल टू जीरो ओरिजिन यहाँ पर, जेड इज इक्वल टू वन पर इसका सेंटर और रेडियस वन का सर्किल है ये। अब सबसे पहले हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड हमें करना है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं उसके पोल्स, और पोल्स फाइंड करने के लिए जो फंक्शन का डिनोमिनेटर है इसको हम जीरो रखते हैं, और जीरो रखने पर जेड की जो वैल्यू आएगी वही पोल्स होते हैं। तो जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो विल गेट जेड इज इक्वल टू वन एंड जेड इज इक्वल टू थ्री, और दोनों वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब कि z इज इक्वल टू वन एंड z इज इक्वल टू थ्री बोथ आर सिंपल पोल्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों पोल्स में से इस सर्किल के अंदर, क्लोज सर्किल के अंदर कौन सा पोल लाई कर रहा है या दोनों लाई कर रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई सा भी पोल लाई नहीं कर रहा है इसके अंदर, इसका मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर एक लाई कर रहा है या दो लाई कर रहा है तो फिर हम रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि z इज इक्वल टू वन इस सर्कल का सेंटर है, तो एक तो ये इसके अंदर हुआ, और z इज इक्वल टू थ्री, z इज इक्वल टू थ्री इस सर्कल से कहीं बाहर होगा। तो यानी कि सिर्फ इस सर्कल के अंदर एक पोल z इज इक्वल टू वन लाइज विद इन दिस सर्कल। तो अब Cauchy residue theorem के अकॉर्डिंग, सो बाय Cauchy residue theorem द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू टू पाई आई इंटू रेजिड्यू एट जेड इजक्ल टू वन। तो जो जेड इजक्ल टू वन है उस पर हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे उस फंक्शन का जिसका हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। अब रेजिड्यू की जो डेफिनेशन होती है, सबसे पहले हम रेजिड्यू की जो वैल्यू फाइंड करते हैं जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। जेड इजक्ल टू वन सिंपल पोल है, तो जब सिंपल पोल पर रेजिड्यू हम फाइंड करते हैं तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है जेड माइनस वन इंटू जो फंक्शन है उसकी वैल्यू, और जो वैल्यू बचेगी जेड इज इक्वल टू उसमें वन पुट कर देना, तो ये वैल्यू आएगी वन बाई टू। सो द इंटीग्रल साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन टू जेड माइनस थ्री डी जेड विल बी इक्वल टू टू पाई आई इंटू रेजिड्यू की वैल्यू है वन बाई टू, तो ये बचेगा पाई आई। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई पाई आई। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें रेजिड्यू फाइंड करने के मेथड आने चाहिए, तो इनके लिए जो वीडियो मैंने रेजिड्यू वाला बनाया उसको भी देख लेना एक बार, कि जब सिंपल पोल होता है तो रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं, डबल पोल होता है या ट्रिपल पोल होता है या ऑर्डर एम का पोल होता है तो हम रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपल पोल के लिए सिंपल फॉर्मूला रेजिड्यू फाइंड करने का है, पहले रेजिड्यू फाइंड करेंगे फिर इसकी वैल्यू हम कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये था Cauchy residue theorem की हेल्प से इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना।